हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका भारत एक मौज में। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है, ये प्रोग्राम जो है ना कोई न्यूज़ प्रोग्राम नहीं है कि हम आपको विश्लेषण करके न्यूज़ दूंगा मैं, और या फिर आजकल न्यूज़ चैनल जो करते हैं कि एक तरफ एक पार्टी का बिठा लिया, एक तरफ दूसरी पार्टी का बिठा लिया, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो 25 एक पार्टी के बिठा लिए, 25 एक पार्टी के बिठा लिए, 30 किसी और पार्टी के बिठा लिए, 40 किसी और पार्टी के बिठा लिए। कौन से न्यूज़ चैनल आपको बताइए, उनको बिठा लिया और फिर बोला कि लड़ो, और उसको उन्होंने जर्नलिज्म का नाम दे दिया है। अपना प्रोग्राम क्या है? देखो, जर्नलिज्म नहीं है ये। मैं इतना कोई अपना वो नहीं लेता हूँ, अपने आप को इतनी तोप नहीं समझता कि मैं आपको जर्नलिस्ट समझूँ। ये जर्नलिस्टिक प्रोग्राम नहीं है, ये न्यूज़ प्रोग्राम नहीं है। ये मेरे भारत के ऊपर, आज के भारत के ऊपर एक नागरिक होने के नाते ये मेरा एक रेंट है जो आपके बहुत सारे लोगों की फ्रस्ट्रेशन से मेल खाता है या खाता होगा। ये सिर्फ उतना है। तो आइए देखते हैं आज की रेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, सत्ता पक्ष के कुछ इलेक्टेड मेंबर्स, कुछ कैंडिडेट्स, कुछ स्पोक्स पर्सन ने आजकल मजे लगाए हुए हैं। वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि एक एक बयान में मौज भरी पड़ी है, और इन सारे जो ये जो पूरी टीम है, इसके कैप्टन हैं, मतलब इस बयानबाजी टीम के कैप्टन हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत। आपको तो पता ही होगा, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि औरतें जो रिप्ड जीन्स क्यों पहनती हैं, वो नहीं पहननी चाहिए उनको, उनको औरतों की रिप्ड जीन्स से प्रॉब्लम है। अभी उनका लेटेस्ट शगुफा ये आया है कि हिंदुस्तान के ऊपर 200 साल तक अमरीका ने राज किया। मतलब जो हम गुलामी की हिस्ट्री स्टोरी पढ़ते आए हैं, वो एक्चुअली में ब्रिटेन नहीं था, वो अमेरिका था। अब ब्रिटेन तो अपना माथा पकड़ के बैठ गया हुआ यार, ये कॉलोनियल पावर तो वो था, उसके जो साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था। एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने किया, लूट उन्होंने मचाई, देश को डिवाइड उन्होंने कर दिया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो सिखा के गए, रिसोर्सेज हमारे को बिना किसी उसके छोड़ के चले गए, और क्रेडिट ले गया सारा अमेरिका। उनको बड़ा बुरा फील हो रहा होगा। फिर इन्हीं तीरथ सिंह रावत ने एक बात और बोली, कहीं नैनीताल में, रामनगर में वो स्पीच दे रहे थे, जहाँ पे लोगों को बोल रहे थे कि जिन लोगों के 10 बच्चे हैं उनको ज़्यादा राशन मिलता है, और जिन लोगों के 2 बच्चे हैं उनको कम राशन मिलता है। अब 2 बच्चे वाले लोग जो हैं वो 10 बच्चे वाले लोगों से जेलस हो रहे हैं कि ज़्यादा राशन वो लेके जा रहे हैं। तो उसका उन्होंने जो ताना मारा उनको, वो ये था कि भाई तुम जेलस क्यों हो रहे हो, जब टाइम था तो तुमने 20 बच्चे पैदा क्यों नहीं किए, 20 बच्चे पैदा करते तो तुम्हारे पास भी ज़्यादा राशन होता। ये तो उनकी सोच है। अब आते हैं इनके सबसे पहले वाले बयान पे, जहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि औरतों को रिप जीन्स नहीं पहननी चाहिए। उन्होंने तो ये भी बोला था, मैं प्लेन में बैठ के एक लड़की के कपड़ों को धीरे स्लाइली चेक कर रहा था तो मुझे उसके घुटने दिख गए जिसमें जीन्स फटी हुई थी। मतलब ये तो इलेक्टेड मेंबर हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कोई स्कूल कॉलेज के सामने घूमता हुआ मोटरसाइकिल पे छिछोरा नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहा है। ये इलेक्टेड मेंबर है, चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने ये बात करी है। ये तो रही एक बात। उधर एक यूपी के मिनिस्टर हैं, आनंद स्वरूप शुक्ला उनका नाम है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि भाई मुस्लिम औरतों को बुरके से आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको बुरका नहीं पहनना चाहिए, और बुरके की तुलना उन्होंने कर दी ट्रिपल तलाक से, कि जितना एक्सप्लॉयटेटिव वो है उतना ही एक्सप्लॉयटेटिव बुरका भी है। तीसरी बात, बंगाल में दिलीप घोष बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगर अपना प्लास्टर दिखाना है टांग पे जो चढ़ा हुआ है, तो वो साड़ी क्यों पहनती हैं, वो बर्मूडा क्यों ना पहने, ठीक है। एक तो बर्मूडा मतलब इंडियन कल्चर का नहीं है, तुम फिर इस पर शोर मचा दोगे कि भाई इंडियन कल्चर की चीज़ें नहीं पहनती हैं ये। लेकिन मोटी बात ये है कि ये जितने भी लोग हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो आर सपोज टू बी द वंस हु आर मेकिंग पॉलिसीज, और जो न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था के रखवाले हैं, इनको लड़कियों के कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है? कोई कह रहा वो फटी हुई जीन्स नहीं पहन सकती, कोई कह रहा वो बुर्का नहीं पहन सकती, कोई कह रहा वो साड़ी नहीं पहन सकती। भाई आप होते कौन हो किसी को, एक आज़ाद मुल्क में एक आज़ाद नागरिक को ये बताने वाले कि आपको कपड़े इस किस्म के पहनने और इसी तरीके के पहनने जो हम अप्रूव करेंगे। आपके कपड़ों पे तो कोई कमेंट मारता नहीं है यार, ये औरतों के कपड़ों पे ही कमेंट क्यों मारना? इसको अंग्रेजी में एक वर्ड है इसके लिए, जिसको मिसोजिनी कहते हैं। तो मैं पूरी बात ही क्वालिफाई कर देता हूँ कि ये हमारे इलेक्टेड मेंबर जो है ना, ये एंटी वीमेन है, ये मिसोजिनिस्ट है, और यही इनकी परंपरा है। आजकल के हिंदुस्तान में औरतों को ये भी हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपने कपड़े पहन सकें। और बयानबाजी बताता हूँ आपको, केरला में बीजेपी के इकलौते बंदे जो इलेक्टेड है, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि इन्होंने बयानबाजी का एक पूरा फिल्म फेस्टिवल चला के रखा हुआ, जिसमें एक एक फिल्म नेशनल अवार्ड ले जाए, अगर चाहे तो नेशनल अवार्ड की बात भी बात में करूंगा, कैसे कैसे लोगों को मिल रहा है।
एक एक डायलॉग उन्होंने ऐसे चुन चुन के मारा है। केरला के इकलौते इलेक्टेड बीजेपी मेंबर जो है उन्होंने कहा है कि केरला में बीजेपी की परफॉर्मेंस इसलिए खराब रहती है क्योंकि केरला में 90% लिटरेसी है। कुछ समझ आया इसे? मतलब 90% लिटरेसी है केरला में, उसमें डेफिनेटली आप तो हो नहीं, वरना आप इतनी मूर्खता की बात तो नहीं करते। ये कुल्हाड़ी पे पैर देके मार दिया। इसका मतलब ये है, आप साफ साफ ये बोल रहे हो कि बीजेपी को कहीं पे भी सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छी परंपरा, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए उस जगह को इलिटरेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वह जगह पढ़ी लिखी हुई तो वहां पे बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। आपके खिलाफ तो बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए। क्या पार्टी की जो गरिमा है इतनी बड़ी, इतनी शानदार बनी हो, उसको ठेस पहुंचा रहे हो? बयानों में आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, आसाम ने बीजेपी के कैंडिडेट, क्योंकि इलेक्शन आसाम में भी है ना, वो कैंडिडेट है, उन्होंने वहां पे ये बोलना शुरू किया है कि बीफ इज द नेशनल डिश ऑफ इंडिया। ये आसाम में बोल रहे हैं। आपको तो याद ही होगा कि बीफ के चक्कर में नॉर्थ इंडिया में कितनी लिंचिंग्स हुई हैं, कितने लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को मारा गया है बीफ के शक पे खाली। ये बताया गया जा रहा था उस वक्त कि अब बीफ पे पाबंदी लगेगी, स्लॉटर हाउसेस पे पाबंदी लगेगी, और बीफ जो है हिंदुओं के लिए बिल्कुल मना है, गाय हिंदुओं के लिए सेक्रेड है और ये नहीं होगा। और उधर आसाम में जाते ही बीफ नेशनल डिश हो गया। तो या तो आप वहां झूठ बोल रहे हो या फिर आप यहां पे झूठ बोल रहे हो। अब दोनों जगह तो आप सच बोल नहीं सकते, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति तो आजकल यही हो गई है कि झूठ बोलो, रोज रोज बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, तभी आप राजनीति में इस देश में सक्सेसफुल हो सकते हो। इंडियन पॉलिटिक्स इज इक्वल टू अ बंच ऑफ लाइज राइट नाउ। अब जैसे कि आपको पता है जो बंगाल है वहां पे अब इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो थिएटर ऑफ एब्जर्ड है वो बंगाल में शिफ्ट हो गया है। अब वहां पे उस थिएटर में जो अलग अलग किस्म के एक्ट हो रहे हैं एब्जर्डिटी के, वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो एक कोई महिला है वहां पे सपोजिटली, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई घर मिला था, तो एक पत्रकार वहां पे पहुंच गई वहां पे उनके घर पे पता नहीं पूछने के लिए, तो वो बताती कि भाई घर तो ये किराए पे लेके रहती हूँ, 500 रुपए इसका किराया जाता है। पत्रकार ने पूछा क्या ये घर आपका है, इस योजना के तहत मिला है? उन्होंने बोल दिया नहीं, ये तो सरासर झूठ है। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है, घर रहने से मैं झोपड़ी में रहेंगे, आप ही लोग देखिए। लेकिन झूठ पे ही तो राजनीति चल रही है। लेकिन इस थिएटर ऑफ एब्जर्ड में अगला एक्ट, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही पंडाल को वैंडलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नाराज थे टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कि उनके हिसाब से जिनको टिकट मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल गया, तो उनको आ गया गुस्सा और उन्होंने वहीं तोड़फोड़ मचा दी, अपने घर में एक तरीके से आग लगा दी। अब बात टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की हुई, तो सबसे बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं हमारे मिथुन दास, जो बंबई से चल के जो है इधर आए थे, कलकत्ता आए थे, और सोनू सूद की बस में भी नहीं आए, अपने आप से अपना टिकट विकट खरीद के वो आए थे कि भाई मैं वहां पे बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं और मैं कोबरा हो गया हूं। बंबई से आते वहां इंसान चला था, वहां से और बंगाल तक आता थे वो सांप हो गया। उस कोबरा को ही डिफेंग कर दिया गया है, उसका नाम ही नहीं है कैंडिडेट्स की लिस्ट में। सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि मिथुन दा पता नहीं कौन सा वहां पे डिस्को डांस करेंगे, जिसके बाद जो बंगाल की राजनीति का रंग रूप ही चेंज हो जाएगा, तो लेकिन वो नहीं हुआ। अलबत्ता हुआ ये, एक लेट कांग्रेस लीडर की पत्नी शिखा मित्रा को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना के अनाउंस भी कर दिया। शिखा मित्रा ने बाद में आके बोला मेरा तो कंसेंट ही नहीं लिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करा बीजेपी को। मगर ये आज का हिंदुस्तान है, यहाँ पे लड़कियों को ना तो अपने मर्जी से कपड़े पहनने का वो है, ना ही उनकी कंसेंट की कोई वैल्यू है। कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है जहां तक हिंदुस्तान में औरतों की बात आती है। चाहे मैं इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो शिखा मित्रा है, इनको पॉलिटिकल रीजन की वजह से डाला होगा और उनकी कंसेंट नहीं ली होगी, लेकिन बात तो ये है, पूछ तो लेते भाई। जिस आदमी को भगा भगा के आपने वहां से बुलाया, उसको टिकट नहीं दिया, लेकिन जो आपकी पार्टी में है ही नहीं उसका आपने नाम अनाउंस कर दिया कैंडिडेट की तरह, तो थिएटर ऑफ एब्जर्ड। लेकिन जो रियल थिएटर हो रहा है, जिसको रियल फिल्में कहते हैं हमारे यहाँ, उसके नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। इस साल के नेशनल अवार्ड अनाउंस हो गए हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि मेहनत का फल मीठा होता है, ये साबित हो गया। जिन जिन लोगों ने पिछले 2-1 साल से मेहनत करी हुई थी अवार्ड लेने के लिए, उन सबको अवार्ड मिले हैं, और जिन जिन लोगों के नाम का इस्तेमाल करा गया इलेक्शंस में जीतने के लिए, उनको उनकी फिल्मों को भी अवार्ड मिल गया, जिसमें अपनी प्रिय कंगना रनावत जिनको मणिकर्णिका के लिए अवार्ड मिला, और हमारे प्रिय विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने एक बहुत ही शानदार ऑस्कर लेवल की फिल्म बनाई थी ताशकंद फाइल, उनको मिल गया, और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरों को एक अवार्ड मिल गया। ठीक है, इन लोगों ने मेहनत करी थी, सुशांत सिंह राजपूत ने तो नहीं करी, बाकी लोगों ने करी थी, उनके लिए इन लोगों को अवार्ड मिल गया।
मेरी प्रॉब्लम यह है, मुझे अफसोस हो रहा है बॉलीवुड के सबसे बदनसीब एक्टर, उसको शुरू से देख लो, विवेक ओबरॉय के ऊपर क्या क्या नहीं दुख झेले हैं उसने अपनी जिंदगी में, और अब इतनी मेहनत करने के बाद उसने इतनी शानदार फिल्म बनाई थी जिसमें उसका डायलॉग भी था, मेरा गुजरात जल रहा है, उसके बाद भी उसे नेशनल अवार्ड नहीं मिला। इसके बाद अगर विवेक ओबरॉय डिप्रेशन में चला जाए तो मैं उसकी गलती नहीं मानता। अरे इससे ज्यादा अच्छे एक्टिंग तो मैं रोज करके फेंक देता हूँ। चलिए निकलिए यहाँ से, गेट आउट यू विवेक। जाते जाते दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जर्मनी की चांसलर जो एंजेला मार्केल, उनको अभी मौका मिला उन दो साइंटिस्ट के साथ कहीं जाने का जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाया जर्मनी के अंदर। एंजेला मार्केल ने मना कर दिया कि ना तो वो उनके साथ चलेगी ना वो उनके आगे चलेगी। उन्होंने बोला कि आप दोनों आगे चलेंगे, मैं आपके पीछे चलूंगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एंजेला मार्केल खुद क्वांटम केमिस्ट्री में, शायद उनकी एजुकेशन है, डिग्री वगैरह है, इतने क्वालिफाइड इंसान ने साइंटिस्ट को वैल्यू दी। और आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप में से किसी को भी उन साइंटिस्ट के नाम पता हो तो जरा नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी कोविड का वैक्सीन लगाने जाओ तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं होगा, उसमें एक फ़ोटो जरूर आपको मिलेगी, वो फ़ोटो देख लीजिएगा किसकी लगी हुई है। ये फ़र्क है, इसीलिए हमारे देश में इतनी मौजें हैं। और इसीलिए ये प्रोग्राम है भारत एक मौज, और ये था इस बार का भारत एक मौज। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। अरे